सबका सब बिजनेस में से वेन एवर विड्रॉस इट इज रॉन्ग. सो इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस. ऊपर वाले सारे बिजनेस के एक्सपेंस जो लिस्ट थी ना वो बिजनेस के खर्चे थे, बट इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा कौन सा खर्चा है? पर्सनल. तो अगर आया तो वो ड्रॉइंग्स. अभी ड्रॉइंग्स का क्लासिफिकेशन क्या है? मॉडर्न में क्या है ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स है ना, कैपिटल ड्रॉइंग्स अलग ही है, और ट्रेडिशनल में पर्सनल, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनर. रिमेंबर ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल बोथ आर पर्सनल. सो ड्रॉइंग्स इज वॉट बिजनेस का की पर्सनल. सो पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स, पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स. इज दिस क्लियर? हेलो. देन नेक्स्ट वन इज हाँ जीएसटी को सर्कल करो 118. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. यू मे कम अक्रॉस दैट. देन यू हैव डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन. यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अब एसीआर 50,000 का है तो नेक्स्ट ईयर भी 50 का होगा, 40, 30, 20, हर साल घट रहा है. तो इट्स अ गेन और अ लॉस? लॉस. सो नॉमिनल एंड एक्सपेंस. व्हाट इज अप्रिसिएशन? उल्टा, बढ़ता है. कौन सा एसेट बढ़ता है वैल्यू में? गोल्ड एंड प्रॉपर्टी. बिजनेस में जनरली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉपर्टी ऑफ लैंड. द लैंड इज द ओनली एसेट दैट अप्रिशिएट्स. बाकी सारे मैन मेड एसेट, उसको लैंड को छोड़कर कोई एसेट अप्रिशिएट नहीं. लैंड या तो अप्रिशिएट होता है या तो कॉन्स्टेंट है. सो व्हाट इज अप्रिसिएशन? इनकम. इनकम नॉमिनल एंड बढ़, डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट. ओके. उसके बाद है सन्ड्री रिसीट, मिसलेनियस रिसीट, सेल ऑफ स्क्रैप. याद है वो मैंने ऊपर बताया था आपको, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, वो क्या थे? छोटे छोटे अमाउंट के एक्सपेंस थे. वैसे ये तीन छोटे छोटे अमाउंट के इनकम के लिए यूज होते हैं. तीनों में से कोई भी, जैसे कि भंगार बेचते हो तो पैसा मिलता है, बिजनेस में पुराना कुर्सी टेबल बेच दिया पैसा आ गया, रद्दी बेचा पैसा आ गया, ये सब छोटे छोटे पैसे हैं. इनको आप ये तीन हेड में से कहीं पे भी डाल सकते हो. किस में डाल सकते हो? सन्ड्री रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स या फिर सेल ऑफ स्क्रैप. तीनों में से कोई भी एक बनाओ और एक में डालो. वरना क्या रिकॉर्ड होता है यहाँ पे? स्मॉल वैल्यू इनकम और वहां पे स्मॉल वैल्यू एक्सपेंस. अंडरस्टूड? हेलो. ये स्मॉल वैल्यू इनकम है, नॉमिनल है इनकम, वो स्मॉल वैल्यू एक्सपेंस. उसके बाद आई थिंक इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिख रहा है? वहां से सर्कल करते जाओ 133 तक सर्कल कर लो सब. आई एक्सप्लेन इट लेटर. आउटस्टैंडिंग वेजेस से लेके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लेके अक्रूड इंटरेस्ट सर्कल करो. अक्रूवल कंसेप्ट बताऊंगा तब करता हूं मैं. ओके. सर्कल लेन, आई एक्सप्लेन देम लेटर. कट टू 134, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सपेंस एंड नॉमिनल. लॉस ड्यू टू फायर फ्लड थेफ्ट, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, नॉमिनल एंड इनकम, बहुत बढ़िया. कॉम्पनसेशन एक्सपेंस. कॉम्पेंसेशन आपने वो मिल भी सकता है बट मिलने का ऐसा चांस कम है. नॉर्मली हम लोग है ना, वर्कर वगैरह इंजर्ड हो जाता है ना, उसको देते रहते. तो जनरली फॉर इंजरी ऑफ वर्कर्स और सम प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स भी पे कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन इज इनकम हो सकता है बट मोटा मोटी हर जगह इट इज एक्सपेंस. नॉमिनल एक्सपेंस. अलाउंसेस, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस, एक्सपेंस, नॉमिनल एक्सपेंस. कन्वेयंस, कन्वेयंस इज लाइक दैट रिक्शा भाड़ा, बस भाड़ा, नॉमिनल एक्सपेंस. और प्रॉपर्टी ट्रांसफर का आपका नाम चेंज का खर्चा, उसको भी कन्वेयंस. देन नियॉन साइन एक्सपेंस, पता है नियॉन साइन जगमग जगमग एडवर्टाइजमेंट. बिल्डिंग मेंटेनेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, दो माले का बिल्डिंग का 6 माले का बना ए विंग था, बी विंग और सी विंग बना. एसेट,
एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज एन एक्सपेंस और एन एसेट. यू हैव टू पे, यू पे फॉर एक्सपेंस ऑल्सो, पे फॉर एसेट ऑल्सो. वट इज द क्राइटेरिया? लास्ट फॉर मोर देन अयर. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग विल लास्ट ऑब्वियसली. दो माले का बिल्डिंग छह माले का बनाए तो हर साल बनाओ. एसेट एंड रियल. सो बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर दैट इज एक्सपेंस. बट ए विंग था, बी विंग बना दिया, सी विंग बना दिया, दैट इज एसेट. रियल एंड एसेट. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज रियल एंड एसेट. अंडरस्टूड द डिफरेंस? एक्सटेंशन विल लास्ट लॉन्ग, राइट? ऑब्वियसली मोर देन वन ईयर, टू ईयर, फाइव ईयर, टेन ईयर. हर साल हो रहा है वो एक्सपेंस. खर्चा देख के कूद मत पड़ो, खर्चे का बेनिफिट देखो. बेनिफिट इज द की थिंग यार. एक साल बताया था मैंने, एसेट और एक्सपेंस में लोचा वर्क है. एक्सपेंस क्या है? बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म, हर साल वापस वापस करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस. एसेट मतलब बेनिफिट लंबा चलेगा. देन व्हाट? मोटर का रियल एंड एसेट. रिपेयर्स टू मोटर का नॉमिनल एंड एक्सपेंस. बढ़िया. विशाल लोन पर्सनल एंड लाइबिलिटी. ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल, मोटा मोटी सारे के साथ. प्रोप्राइटर्स वाइफ लोन पर्सनल. बिजनेस में ना सारे फाइल अलग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी पापा सब अपने. मम्मीज लोन, पप्पाज लोन, ब्रदर्स लोन, सिस्टर्स लोन, फ्रेंड्स लोन, बैंक लोन, सब अलग. तो सब क्या है? लाइबिलिटी एंड पर्सनल. इनकम टैक्स में देखा होगा सारे फाइल अलग अलग बनाते होंगे घर घर पे, सबका नाम पे अलग अलग अकाउंट रहता है, अलग अलग फाइल बन, सबका बिजनेस अलग. देन लाइव स्टॉक इज रियल एंड व्हाट इज लाइव स्टॉक? काउस का गोट्स. एनिमल्स, एनिमल्स यूज्ड इन बिजनेस, दे आर एसेट्स. किसी बिजनेस में काउस वगैरह यूज होते हैं डेयरी में, किसी में एलिफेंट्स यूज होते हैं वुड कटिंग में, कैमल्स यूज होते हैं डेजर्ट्स. सो दे आर रियल एंड एसेट्स. ओके. पेंशन फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंस. कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एक्सपेंस एंड नॉमिनल. प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड सिमिलर है, दे आर पर्सनल एंड लाइबिलिटी. होता क्या है समझो, देखो आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉय है उसको आप क्या पे करते हो? सैलरी. सपोज उसकी सैलरी 10,000 है, सपोज उसकी सैलरी 10,000 है. हाँ बोलो. सो व्हाट इज अ पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड? सपोज यू हैव एन एम्प्लॉय और वो एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, तो आप उसको 10,000 हाथ में नहीं दोगे. 10,000 में से आप उसको 9,000 ही दोगे. कितना दोगे? और 1,000 हर महीने अलग फंड में डालते रहोगे. दैट फंड इज कॉल्ड एज पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड. क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि जब वो बुढ़ा हो जाए या रिटायर हो जाए तो वो फंड क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा जमा हो जाएगा फंड में पैसा, तब आप उसको दोगे. वो जो 1,000 रुपीज आप दे रहे हो ना, आपके यहां से तो गया, उसको नहीं गया, किधर गया? फंड में. तो फॉर यू इट इज एन एक्सपेंस. तो जस्ट लाइक सैलरी इज योर एक्सपेंस, सेम वे कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो योर एक्सपेंस. सो दैट इज नॉमिनल एन एक्सपेंस. गॉट दैट? एंड वो 1,000 जमा होकर बड़ा सा फंड बन गया, दैट्स कॉल्ड पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड. वो किसका है? आपका ही उसका है. आप उसे देना बाकी है, देना बाकी है तो लाइबिलिटी एंड पर्सनल. लाइबिलिटी एंड पर्सनल. इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंस एंड नॉमिनल, बट फंड इज अ लाइबिलिटी एंड पर्सनल. दोनों सिमिलर है. पेंशन फंड प्रॉब्लम मीनिंग समझा? कब दोगे वो पैसा? रिटायरमेंट. रिटायरमेंट. ओके.
उसके बाद के सर्कल करो 151, 152, 153, 154, 155. एक्सप्लेन देम लेटर वैल्यूएशन और जीएसटी वाले यू कम अक्रॉस देम. ओके दैट्स योर क्लासिफिकेशन. नाउ यू हैव थ्री एक्सरसाइजेस विच आर फॉर होमवर्क. इसको आपको है ना नोटबुक में सॉल्व नहीं करना है, इसमें ही सॉल्व करना है, बुक में ही लिखना है. कहां लिखना है? इधर ही लिख देना. कैपिटल अकाउंट इज व्हाट? पर्सनल एंड कैपिटल. ट्रेडिशनल में पर्सनल, मॉडर्न में कैपिटल. ओके होमवर्क है. बैड डेट्स इज व्हाट? नॉमिनल एंड एक्सपेंस. ओके इसमें ना कौन सा नहीं करोगे आप? 14, 15, 16 छोड़ देना. 14, 15, 16 छोड़ देना, बाकी सब करना फर्स्ट वाला. ओके अच्छा सेकेंड वाला भी वहीं पे सॉल्व करना है आपको, लेकिन शॉर्ट में लिखना ऊपर. जैसे कि गुड्स अकाउंट, व्हाट इज गुड्स? एसेट एंड रियल. गुड्स मतलब स्टॉक, अनसोल्ड वाला. सैलरी नॉमिनल एंड एक्सपेंस. तो उसमें है ना कुछ आइटम्स आपको नहीं करना है, मैं दे देता हूँ. एसपीआई डिस्काउंट कैपिटल विजय कैरेज आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रीपेड इंश्योरेंस. सेकेंड लाइन अंडरलाइन दैट. आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रीपेड इंश्योरेंस को अंडरलाइन करो, वो नहीं करना है. उसके आगे कमीशन रिसीव इन एडवांस को भी अंडरलाइन करो, वो भी नहीं करना है. कमीशन रिसीव इन एडवांस को भी अंडरलाइन करो. मिला? लोन स्टॉक इन्वेस्टमेंट लॉस बाय फायर टूल्स कार्ड लाइब्रेरी रिक्वेस्ट मशीन मैनेजर सैलरी लाइव स्टॉक इंटरनेट चार्जेस प्रिंसिपल टैक्स. आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी को अंडरलाइन करो, बाद में बताऊंगा मैं. ऑडिट फीस बाय टैक्स टू माय सीसी टू बिल्डिंग टू प्रॉपर्टीज इन दैट स्टेटमेंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. आउटस्टैंडिंग सैलरी और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अंडरलाइन दैट, वो भी नहीं करना है. गैस एंड लाइट डेटर्स क्रेडिटर्स गुडविल ट्रेड एक्सपेंस रॉयल्टी बिल्स रिसीवेबल बैंक कमीशन बैंक चार्जेस पार्किंग ब्रोकरेज मशीनरी अपकीप पेंशन इंटरेस्ट रेलवे फेयर मोबाइल चार्जेस वस्तु प्रोडक्ट डेट बैंक प्रोडक्ट बैंक ऑर्डर से बस बाकी सब करना है. ठीक है जो अंडरलाइन किया हुआ वो मत करना, छोड़ देना, बाकी सब कर देना. तीसरा जो एक्सरसाइज है उसमें रॉन्ग आंसर दिया तो आपको राइट वाला लिखना है स्ट्रेट. ठीक है जैसे मशीनरी इज व्हाट? रियल एंड एसेट. समझा? कन्वेयंस इज व्हाट? नॉमिनल एंड एक्सपेंस. इज इट क्लियर? वेट वेट खत्म नहीं है. नाउ वी आर ऑन द थर्ड स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के थे तीन स्टेप्स. कितने स्टेप्स? तीन. पहला स्टेप क्या था? नोइंग द टू अकाउंट, नोइंग द अकाउंट. सेकेंड स्टेप क्लासिफाइंग देम, वो भी आपने सीखा अभी. क्लासिफिकेशन में कोई डाउट? घर पे जाकर रिवाइज करना है फिर होमवर्क करना है. ठीक है और क्लासिफिकेशन में कोई भी आइटम ना समझ में आए तो प्लीज कॉल और व्हाट्सएप एंड इमीडिएटली आस्क. अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्ड, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए गोल्डन रूल्स. क्या पता होना चाहिए? तो वी रिकॉर्ड बाय अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. क्या बोलते हैं उसको? डबल एंट्री सिस्टम. मतलब दिस इज अ सिस्टम ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. यही सिस्टम 450 साल पहले वो महाशय ल्यूका डी बार्गो पाचियोली जी ने इन्वेंट किया. इससे पहले कोई परफेक्ट सिस्टम बनाई हुई नहीं थी, तब जाके इन्होंने इन्वेंट किया और फुल प्रूफ बना दी सिस्टम. ये क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? सुनो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? एवरी ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज. गिव और टेक. फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया, गुड्स खरीदा तो पैसा, गुड्स आया पैसा गया, गुड्स बेचा तो गुड्स गया पैसा. इट्स अ टू वे थिंग. सो एवरी ट्रांजेक्शन इज अ टू वे थिंग. सो इन डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. इन डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स. जो आया वो भी, जो गया वो, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. इसलिए आपको याद होगा जब मैं आपको बता रहा था बैलेंस शीट तो मैं हर एक चीज का दो दो इफेक्ट दिखा रहा था आपको. जब ओनर कैपिटल आया तो कैश और कैपिटल, फिर कैश गया और सिक्योरिटी डिपॉजिट आया, फिर कैश गया फर्नीचर आया, फिर जब मैंने एक्सपेंस इनकम बताया था तभी एक्सपेंस इनकर हुआ था परचेज और कैश घटा था. याद है? सैलरी एक्सपेंस बढ़ा था और कैश घटा था. याद है? हर एक चीज का दो दो एस्पेक्ट होता ही है. जब एक्सपेंस पे करोगे तो एक्सपेंस इनकर होगा और कैश गया.
फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आया कैश, या सेल्स करोगे तो सेल्स इनकम हुई और कैश आया, यस और नो? सो एवरी ट्रांजैक्शन इज अ ड्यूअल प्रोसेस, टू वे थिंग. एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या है? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स. डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है? रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डेबिट, द सेकेंड एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज क्रेडिट. वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डेबिट, द सेकेंड एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज क्रेडिट. एंड ऑलवेज डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट्स, हमेशा. क्योंकि आपने देखा होगा हर बार जितने का गुड्स आया उतने का कैश गया, जितने का फर्नीचर आया उतने का कैश गया, जितने का कैश कैपिटल आया उतना कैश आया, जितने का लोन लिया लोन लायबिलिटी उतना कैश आया. ऑलवेज योर डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स. सो दिस इज योर सिस्टम कॉल्ड एज डबल एंट्री, फुल प्रूफ सिस्टम. ओके, व्हाट डज इट स्टेट? एवरी ट्रांजैक्शन इज गॉट टू एस्पेक्ट्स, गिव एंड टेक एक्सचेंज. अंडर डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. One aspect is called debit, another one is called credit, and always debits are equal to credit. Debit credit has nothing to do with good or bad. Don't assume debits are good, credits are bad, or debits are bad, credits are good. Nothing like that. It all depends on the context. क्या चीज debit हो रहा है, क्या चीज credit हो रहा है. तो क्या debit करना है और क्या credit करना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए golden rules. क्या पता होना चाहिए? सो देर आर थ्री गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिशनल एंड देर आर फोर गोल्डन रूल्स फॉर मॉडर्न. ये गोल्डन रूल्स आ गए, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग. उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हो आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो. तो पहले हम लोग मॉडर्न के रूल्स कर लेते हैं, ठीक है. मॉडर्न के मेनली है चार रूल्स, उसको फिर छह बनाया गया कि चार पिलर ड्रॉइंग को अलग रखा. अदरवाइज देर आर फोर रूल्स फॉर एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम. फोकस ऑन द बोर्ड. एसेट का रूल क्या है मॉडर्न में? पहले मॉडर्न सीख लो फिर ट्रेडिशनल पे जाते हैं. मॉडर्न रूल फॉर एसेट, एसेट इफ इट इंक्रीजेस इन बिजनेस यू डेबिट इट, एंड इफ इट डिक्रीजेस सिंपल. बिजनेस में अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो. कोई भी एसेट अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डेबिटेड, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट. लायबिलिटी इज ऑपोजिट, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, घट रही है तो डेबिट करो. बिजनेस में कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बढ़ा, लोन बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, क्रेडिट करो. और कोई लायबिलिटी घटी तो डेबिट करो. ऑपोजिट एसेट का क्या है? बढ़ा दो डेबिट, घटा दो क्रेडिट. लायबिलिटी उल्टा, बड़ी तो क्रेडिट घटी दो डेबिट. एक्सपेंस और एसेट क्या सेम है? दोनों खर्चे ही है, एक छोटा एक बड़ा, एक बने से कम एक बने से ज्यादा वाला. और जो रूल फॉर एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और घटा क्रेडिट. कोई भी एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और वो एक्सपेंस कुछ घटा तो क्रेडिट. इनकम और लायबिलिटी का रूल इज सेम, इनकम और लायबिलिटी सेम, बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट. एंड कैपिटल और ड्रॉइंग्स को अलग रूल दिया गया है, बट यू नो वेरी वेल व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल इज अ लायबिलिटी. तो क्या होगा? कैपिटल का बढ़ा तो क्रेडिट, और घटा तो डेबिट. और कैपिटल घटा मतलब इनडायरेक्टली ड्रॉइंग्स बढ़ा. ड्रॉइंग्स क्या है? ड्रॉइंग्स आर लाइक एसेट, तो बढ़ा तो ड्रॉइंग्स घटता नहीं. कैपिटल घटता है मतलब ड्रॉइंग्स बढ़ता है, दैट इज सेम थिंग. कैपिटल घटा मतलब ड्रॉइंग्स बढ़ा, जब ड्रॉइंग्स होता है तब कैपिटल कम होता है, दिस इज सेम. तो कैपिटल घटा या फिर ड्रॉइंग्स बढ़ा मतलब इट विल बी डेबिट. इज दिस क्लियर? सो मेनली फोर रूल्स एसेट. इसमें से भी है ना एक ही रूल याद आना चाहिए, खाली एसेट. क्योंकि अगर एसेट का पता है, रूल फॉर एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और घटा तो लायबिलिटी क्या है? उल्टा, बढ़ा दो क्रेडिट, घटा दो डेबिट. अच्छा, एसेट और एक्सपेंस सेम है, और लायबिलिटी और इनकम सेम. तो एसेट और एक्सपेंस सेम है, तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, और घटी तो डेबिट. और कैपिटल तो सेम ही है लायबिलिटी जैसा, तो बढ़ा दो
क्रेडिट इफ इट इंक्रीजेस देन क्रेडिट एंड इफ इट डिक्रीजेस मतलब ड्रॉइंग्स बढ़ा अब इट इज गॉट ऑन ड्रॉइंग्स बढ़ा मतलब दैट इज डेट ड्रॉइंग्स आर डेट मॉडर्न सिंपल जस्ट वन रूल एसेट बढ़ा तो बेसिकली एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट घटा तो इनकम और लाइबिलिटी बढ़ी घटी इससे सिंपल कुछ हो सकता है नर्सरी वाले को भी दो तो भी कर ले दो मिनट अब जाते हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल के तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड थे अकाउंट तो तीन रूल है वन फॉर पर्सनल वन फॉर रियल वन फॉर पर्सनल अकाउंट क्या था बताया अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग एन आर्टिफिशियल एंटिटी उसके लिए रूल दिया गया है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये रखता मानना चॉइस रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट goes out. Debit what comes in, credit what goes out. And nominal ka rule hai, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. इसमें थोड़े flaw है rule में मैं आपको बताऊंगा time के साथ but traditional है करना पड़ेगा जब मार के इसके लिए सीखना है और अच्छे से करना है थोड़े बहुत flaws है This is perfect. ये आगे जाके भी भूलना नहीं मॉडर्न समझा ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट और अकाउंट्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस एंड इंस्टीट्यूट्स रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द बिजनेस में अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो कोई कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट करो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट क्यों ह्यूमन्स और इंस्टीट्यूट्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रियल अकाउंट क्या थे एसेट्स थे एसेट्स एसेट्स गिवर रिसीवर हो नहीं सकते आया या डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट एसेट क्या रूल है एसेट बढ़ा दो डेबिट घटा दो क्रेडिट आया मतलब बढ़ा गया मतलब घटा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट अगर बिजनेस में कोई एसेट आया मतलब बढ़ा तो डेबिट और गया मतलब घटा तो क्रेडिट सिंपल नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड छोटा सा फ्लॉ ये क्या बोलता है कि बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ेगा ही और इनकम भी बढ़ेगी और 99% ऐसी होता है एक्सपेंस बढ़ता है और इनकम बढ़ती कभी कभी घटा एक्सपेंस घटा और इनकम घटा उसके लिए ट्रेडिशनल कोई रूल है वो यहां पर घटा दो क्रेडिट और घटा दो डेबिट इनकम नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट और इनकम जाने